अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कामरान फूड एंड व्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आपके लिए एक नई रेसिपी, बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मजे की बनती है। चिकन 65 तो आपने खाया होगा। आज मैं लेके हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं एग 65। बहुत ही आसान है और बहुत ही मजे के बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक पैन लिया, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। इसमें थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद ऐड करूँगा, तकरीबन आधा गिलास मैं इसमें मज़ीद पानी का ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूँगा। और तकरीबन हमने इनको 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल करना है, ढक्कन देंगे। जी दोस्तों, तो अंडे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं, इनका मैंने छिलका उतार लिया है। अब एक कटिंग बोर्ड हम लेंगे, जी दोस्तों, तो अब हम अंडे लेंगे, उनको बीच से यूं कट कर लेंगे और जो है इसमें से जर्दी जो है वो हम इनकी निकाल लेंगे, ये साइड पर रखेंगे। जर्दी इनकी अभी हमें फिलहाल नहीं चाहिए तो इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे इनमें से काट के जर्दी अलग कर लेंगे, इनको ज़्यादा जो वो हमने बॉईल नहीं करना। जी दोस्तों, तो सारों की जर्दी हमने निकाल लिया, अब हम इसको इस तरह से काटेंगे, ठीक है, और इसको हम यूं पीसीस में कर लेंगे। सारे अंडे इसी तरीके से हम काट लेंगे। जी दोस्तों, तो अंडे सारे हमने काट लिए, अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। अब ये जो सारी जर्दी है, ये हमें सारी जर्दी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अंडे की जर्दी चाहिए क्योंकि हमने इस पर क्रिस्पी पन लेके आना है, बिल्कुल हमने इसको नरम नहीं करना। तो एक अंडे की जर्दी मैंने ले ली है। जी दोस्तों, तो अब हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है वो हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा मैं इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच की है, धनिया पाउडर सूखा धनिया, और 1/2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूं सफेद जीरा, और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच मैंने इसमें नमक की, एक टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है। जी दोस्तों, तो अब मैंने इसमें तकरीबन 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी है, और अब एक हम अंडा लेंगे। अब अंडा हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, अंडे को हमने फेंट लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे
दो चम्मच मैदा, जी दोस्तों तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन हमने इसमें चार चम्मच ऐड करने हैं। दो चम्मच हमने मैदा लिया था और उसका डबल हमने, यानी जितने चम्मच आप मैदा लेंगे उससे डबल आपने इसमें बेसन ऐड करना है। मैंने दो चम्मच मैदा लिया और चार चम्मच इसमें मैंने बेसन के ऐड किए हैं। अच्छा अब मैं इसमें सब्ज मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगा, बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट के इसमें ऐड करनी है। ज़्यादा मैं नहीं ऐड करूँगा, बस थोड़ी सी ऐड करूँगा, तकरीबन आधा ये सब्ज मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगा। एक सब्ज मिर्च लिया इसका आधा हमने इसमें पीस ऐड कर देने हैं बारीक बारीक काट के। तो अब ये जो हमने अंडा मिक्स किया था अब ये हम इसमें ऐड करेंगे। मैं ये सारा अंडा इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब जो है इसको हम मिक्स करेंगे। हमने इसके जो वो पकोड़े बनाने हैं। अब तकरीबन थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है लेंगे। मैंने इसमें एक अंडा पूरा मिक्स किया था, इस वजह से पानी इसमें थोड़ा सा हमने तकरीबन एक चम्मच ऐड किया है। अगर आप अंडा जो है वो आधा इसमें ऐड करेंगे तो पानी जो है वो आपका तकरीबन तीन चम्मच लगेगा। जी दोस्तों तो ऑयल जो है वो गर्म हमारा हो चुका है। अब हम ये थोड़ा थोड़ा लेते हैं मिक्सचर जो है वो हाथ में लेके इसमें ऐड करते जाएंगे, यानी जो है इसके हम पकोड़े जो है वो बना लेंगे। अब इसको जो है हम फ्राई करेंगे, इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। जी दोस्तों तो ये फ्राई हो चुके हैं तो अभी इनको हम निकालते जाएंगे। अब इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकाल लेंगे, अब इनको साइड पे रख देंगे किसी प्लेट में। तो अब जो है हम बकाया के भी तैयार कर लेंगे। स्पीड अब स्लो हम इसकी कर देंगे और बिल्कुल सेम इसी तरीके से बकाया भी जो है पकोड़े हम रेडी कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पकोड़े जो थे वो हमने फ्राई कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अब जो है इसमें हम चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे और इसको जो है थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है वो दूर करेंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी इसको हमने गोल्डन नहीं करना। जी दोस्तों तो इसका जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज चॉप की हुई। ये इसमें मैंने छोटे साइज का प्याज लेके उसको चॉप कर लिए। अब इसको भी जो हमने बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा इसका जब कच्चापन दूर होगा तो हम इसमें जो है वो जो पकोड़े हमने ऐड बनाए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी दोस्तों तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पकोड़े जो हमने बनाए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और जीरा और साथ में केचप, ये तकरीबन मैंने 3 चम्मच केचप लिया, और इसको जो है अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और स्पीड जो है यहाँ पे हम इसकी स्लो कर देंगे, बिल्कुल भी स्लो हमने इसकी स्पीड नहीं करनी जी। दोस्तों तब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च, इसको मैंने इस तरह काट लिया, इसका जो बीज होता है वो मैंने इसका निकाल दिया है। जी दोस्तों तब इसकी हमने पहले से स्पीड थोड़ी तेज कर दी है, और इसको तेज आंच पे हम थोड़ा हम इसको फ्राई करेंगे। जी दोस्तों तो एग 65 हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको हम डिश आउट करेंगे, चूल्हा कर देंगे इसका बंद। तो फाइनल लुक आपने इसकी बिल्कुल भी मिस नहीं की करनी। जी दोस्तों तो आप देख सकते हैं एग 65 हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इसके ऊपर हम थोड़े से सब्ज धनिया जो है वो ऐड कर देंगे। बहुत ही मजे के बनते हैं, आप भी जरूर इनको ट्राई कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।